हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में आप लोगों को हम बीएलएड थर्ड ईयर की जो भी बुक्स हैं, जो भी जितने पॉसिबल थे, आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊंगी और हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि कौन सी बुक का नाम क्या है, बुक के राइटर क्या का नाम क्या है, उसका जो पब्लिकेशन या संस्करण होता है ये क्या होता है, और उसकी प्राइस कितनी है, और उसकी कंटेंट यानी विषय वस्तु क्या है। तो हर एक बुक का मैं ये सब बताऊंगी आप सभी को। मैं किसी भी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों ने कहा था कि मैम बता दीजिए कि किस में क्या है, तो इस तरीके से मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। और हर एक बुक के बारे में मैं बताऊंगी और उसमें है जो भी कंटेंट, उसके हिसाब से आपको जो भी सुटेबल लगे, जो भी सही लगे, जो भी आपको लगे कि इसमें टॉपिक मिल जाएगा, उससे अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा और वही बुक अपना लीजिएगा। वो चाहे अमेज़ॉन से लीजिए, फ्लिपकार्ट से लीजिए, या आप ऐसे जा कर के ऑफलाइन लीजिए। तो गाइज, मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोगों का जो भी बुक लेना है तो उसके पहले आप थोड़ा सा रिव्यू भी देख लिए यूट्यूब पर। और यहाँ पर मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, राइटर का नाम और जो सब्जेक्ट नेम है वो, और कंटेंट और पब्लिकेशन या और बुक की जो प्राइस है, इन सब के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ विद्यालय नियोजन एवं प्रबंधन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएलएड थर्ड ईयर में तीन सब्जेक्ट हैं, स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, और मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। तो उसी के अंतर्गत ये सारी बुक हैं। इन सारी बुक से आपको जो भी सही लगे आप अपने हिसाब से उसको चयन करिएगा और उसी को लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला है विद्यालय नियोजन एवं प्रबंधन। ये आपके बीएलएड की बुक है, ये हमारी लाइब्रेरी से मैंने लिया था। तो फिर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ सोचा कि आप लोगों को ही दिखाया जाए जो भी मैंने बुक को जितना मैं खोजी आज, और बहुत तो सारा बुक खोजी, उसके बाद मुझे जो मिला मैं सबका संकलन लेकर आ गई हूँ। तो जो भी आपको ठीक लगेगा वो लीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, विद्यालय नियोजन एवं प्रबंधन है ये, और इसका आप यहाँ प्राइस भी देख सकते हैं, एडिशन भी देख सकते हैं कौन सा है, पब्लिकेशन कौन सा है, ये सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। प्राइस आपको यहाँ लिखा गया है, हो सकता है आपको डिस्काउंट पर मिल जाए थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतना लिखा है। इसमें आपको टॉपिक इतना सारा मिल जाएगा, विद्यालय का अर्थ, स्कूल का महत्व, नियोजन, विद्यालय नियोजन, इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट लीजिएगा और देखिएगा, या पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और गाइस, रही बात इसकी कि एक ही बुक में हमें सब कुछ मिल जाए, तो बीएलएड में ऐसी अभी कोई भी बुक नहीं आई है मार्केट में कि एक ही बुक में हर एक चीज़ मिल जाए। अगर मिलता भी है तो किसी में थोड़ा दिया गया है, तो वो टॉपिक किसी में और अच्छे से दिया गया है। तो आप लोग अगर कॉलेज जाते होंगे तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप लाइब्रेरी से बुक लीजिए, लाइब्रेरी से बुक इशू करवाइए, वहाँ से अपना आप फ़ोनों से फ़ोटो खींच लीजिए या अपना फोटोकॉपी करवा लीजिए और फिर उससे अपना नोट्स प्रिपेयर करिए तो सही रहेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक किसी और बुक में अच्छा दिया गया है, कुछ टॉपिक किसी और बुक में अच्छा दिया गया है, तो इस तरीके से है। जैसे मेरा भी था, तो मैं भी एक स्कूल प्लानिंग मैनेजमेंट की ली थी, और सोशल साइंस की भी लिए थे, और बायोलॉजिकल साइंस का था मेरे पास। क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस का जो भी था, जैसे उसमें मीनिंग डिफिनेशन, और फिर उसके बाद उसके टीचर क्वालिटीज ऑफ अ गुड बायोलॉजी टीचर, तो इस तरीके से कुछ टॉपिक उसमें था लेकिन कुछ नहीं था। तो मैंने लाइब्रेरी की हेल्प ली और वहाँ से बहुत सारी बुक इशू करवाई थी, फिर उसके बाद मैं भी अपना नोट्स प्रिपेयर करी थी। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा, एक दो अपना रेफरेंस बुक ले लीजिएगा, उसके अलावा आप लाइब्रेरी की बुक ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, अब ये दूसरा बुक है, इसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, महेंद्रनाथ श्रीवास्तव। इसमें आप प्राइस देख सकते हैं, इसका यहाँ संस्करण हर एक चीज़ देख सकते हैं, फिर कंटेंट में आप यहाँ देख सकते हैं, संस्थागत नियोजन है, विद्यालय प्रबंधन है, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र है। तो जो भी ठीक लगे आपको आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, इस तरीके से आप पॉज करके देख लीजिएगा सब में पढ़ कर कि किसमें क्या हमें मिल रहा है। ये नेक्स्ट बुक है शैक्षिक प्रबंध एवं विद्यालय संगठन, फर्स्ट पेपर की, तो इसमें है ये इसका संस्करण और प्राइस सब देख सकते हैं, और यहाँ है आपका कंटेंट यानी विषय क्रम। शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध, शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फिर गाइस, इसके बाद सेकंड है
स्वैच्छिक विद्यालय संगठन, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो ये भी आप ले सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस वाले पेज पर आप देख सकते होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्कूल बजट है, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन है, और फिर उसके बाद टाइम टेबल है, को करिकुलर एक्टिविटी है, स्कूल रिकॉर्ड है, स्कूल डिसिप्लिन है, तो कुछ टॉपिक इसमें भी है। और ये है नेक्स्ट बुक इसी सब्जेक्ट का, स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, इसमें भी आपको कुछ टॉपिक मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे उस तरीके से आप लीजिएगा। यहाँ विद्यालय भवन है, विद्यालय निरीक्षण है, पर्यवेक्षण है, विद्यालय अनुशासन है, स्कूल डिसिप्लिन है, वित्तीय प्रबंध है यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर ये आपका लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का है, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, यानी सेकेंड पेपर आपका था लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। तो ये BLET की ही बुक है, इसमें लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का है, दोनों है, और इसकी प्राइस आप देख लीजिएगा। और यहाँ जो भी टॉपिक है ये सब है, ये वैसे इसमें भाषा, आपको भाषा के बारे में, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का महत्व क्या है, ये सब मिल जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें आपका ये BLET फर्स्ट ईयर की शायद बुक है, ये BLET फर्स्ट ईयर की है, मैंने इसलिए इसको कवर किया है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने BLET में जो फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी भाषा के बारे में था, जो भाषा थोड़ा बहुत है आपका इसमें भी, तो भाषा के बारे में आप यहाँ से भी थोड़ी हेल्प ले सकती हैं। फिर गाइस इसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण, जैसे कि आपका हिंदी शिक्षण तो नहीं है, लेकिन आपका भाषा जो है, तो भाषा के अंतर्गत कुछ टॉपिक है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण यहाँ पर है, और फिर नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण, पाठ योजना, तो कुछ टॉपिक है इसमें से भी आप थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हिंदी शिक्षण ये भी है, इसमें आप देख लीजिएगा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सब है, और हिंदी भाषा का ध्वनि विज्ञान, ये तो सब तो नहीं है। कविता शिक्षण हो सकता है आप में हो, और व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, तो एक बार देख लीजिएगा। और ये निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, ये भी आपके थर्ड ईयर में है। और फिर ये नेक्स्ट बुक है ABC की, यह आप देख सकते हैं, और ये इसका कंटेंट है, भाषा है, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का महत्व है, जो भी आपको ठीक लगे देखिएगा। अपने सिलेबस को साथ में लेकर बैठिएगा और हर एक टॉपिक मिलाइएगा, जिसमें ज़्यादा मिले वो ले लीजिएगा, बाकी आप हो सकता है कि अगर लाइब्रेरी आपकी ओपन रहे तो आप लाइब्रेरी की बुक इशू करवा कर वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, सिंपल सी बात, सबसे सही, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सामाजिक विज्ञान की नेक्स्ट बुक है, राइटर है BL शर्मा, BK महेश्वरी, और ये इसके प्रकाशक हैं, पब्लिकेशन, और इसके प्राइस के यहाँ लिखा गया है, यहाँ सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, ये महत्व आप यहाँ देख सकते हैं। फिर गाइस इसके बाद ये टॉपिक देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा, जैसे कि सामाजिक अध्ययन का अध्यापक तो कैसा होना चाहिए, ये सब है इसमें। फिर उसके बाद आपका थर्ड पेपर आ जाता है, थर्ड पेपर था मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल तो आपके सिलेबस में है नहीं, बस नाम दे दिया गया है, बायोलॉजिकल साइंस से भी आगे आप लोगों को डिस्क्राइब करके दिखाएंगे, मतलब हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, कैसे कौन सी बुक लेनी है ले सकते हैं आप। फिर ये गणित शिक्षण का है, इसके राइटर और देख सकते हैं, इसका प्राइस देख सकते हैं, इसमें कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। और फिर ये नेक्स्ट बुक है इसी की, गणित में सीखता है अच्छा, इस बुक में शायद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें गणित शिक्षण की विधियाँ आपको मिलेंगी बस, और बाकी कुछ नहीं है आप में। और फिर ये नेक्स्ट बुक है गणित शिक्षण की, यहाँ आप देख सकते हैं गणित का अर्थ, ये सब है पूरा, ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, गणित का पाठ्यक्रम, गणित शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के तकनीक,
तो इस तरीके से आप गणित अध्यापक, तो ये देख लीजिएगा, ये गणित शिक्षक की नेक्स्ट बुक है, भटनागर राइटर की है ये, और 165, और ये है इसका कंटेंट यानी अनुक्रमणिका या विषय वस्तु, ये इसका टॉपिक है, ये इसका फर्स्ट यूनिट है, इस तरीके से आपको कथन वाइज दिया गया है। फिर गाइस इसके बाद है, इसी के अंतर्गत आता है आपका साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, साइंस बायोलॉजिकल साइंस, तो साइंस का अगर है तो आप इसका ले सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें विज्ञान की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं उद्देश्य है, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ पद्धतियाँ हैं, पाठ योजना, उच्च विज्ञान अध्यापक, इसी के बारे में है, आप यहाँ देख सकते हैं। विज्ञान शिक्षण की नेक्स्ट बुक, एक ये जीव विज्ञान शिक्षण जो कि आपका बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आ जाएगा, आपको कुछ टॉपिक इसमें से भी मिल जाएगा, जीव विज्ञान महत्व, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम में स्थान, और इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कुछ टॉपिक है आपका इसमें, आपको इसमें पद्धतियाँ, जीव विज्ञान शिक्षण की पद्धतियाँ मिल जाएंगी, जीव विज्ञान में मूल्यांकन मिल जाएगा, उद्देश्य मिल जाएगा, और इस तरीके से जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आपको मिल जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जीव विज्ञान शिक्षण की है, जीव विज्ञान की शिक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण, ये बहुत शायद पुरानी बुक है आप लोगों को यहाँ, ये इसका फॉन्ट साइज वर्ड का देखकर समझ में आ रहा होगा, तो आप ऐसी बुक लीजिएगा जो पढ़ने में भी आपको मतलब थोड़ी कंफर्टेबल रहे, आप आसानी से पढ़ सकें, ये शायद बहुत पुरानी बुक है हमें लगता है, बहुत ही ज़्यादा इसका फॉन्ट साइज इधर उधर है, ये जीव विज्ञान का शिक्षक इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक है जीव विज्ञान शिक्षण की, आप यहाँ देख सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज इन बायोलॉजी यानी जो सहगामी क्रियाएं होती हैं वो सब भी है इसमें, जो विज्ञान पाठ्यक्रम, जो विज्ञान पाठ्य पुस्तक, मूल्यांकन, मूल्यांकन आप में है, इवेल्युएशन इन बायोलॉजी एक बार देख लीजिएगा, और इस तरीके से इतनी सारी बुक आप लोगों का बी एल एड थर्ड ईयर में मैंने दिखाया है आप लोगों को, तो आपको जो भी बुक लेना है आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं, उसके बाद अपना बुक रिव्यू देखिएगा यूट्यूब पर, फिर आपको ठीक लगेगा आप लीजिएगा, नहीं तो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, सबसे आसान है कि आप लाइब्रेरी में जाएँ, इशू करवाएँ बुक, और फिर उसके बाद फोटोकॉपी करवाएं, फोटोकॉपी करवाने के बाद उसको रख लें, बाकी बुक वापस कर दें, इस तरीके से आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करी होगी बुक पता करने में कि कौन सा बुक कैसे है, कितनी प्राइस की है और कैसे हम लें, तो जानने में आपको हेल्प करी होगी, और अगर करी हो, आपको पसंद आई हो वीडियो आज का सेशन, आपको अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और अच्छे से वो लोग भी इसका चयन कर सकें कि कौन सा बुक हमें लेना है, कैसे लेना है, जान सकें। और इसी तरीके से और सारा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।